डियर स्टूडेंट्स, आज इस एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको एक झलक दिखाई जाएगी किस तरह सिमिज के छात्रों ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त सफलता हासिल की है, किस तरह से सिमिज से बीसीए करके, बीबीए करके, बीबीएम करके, बीएससीआईटी करके, पीजीडीएम प्रोग्राम करके, बीकॉम के कोर्स करके आज सिमिज के स्टूडेंट जो हैं वो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े बैंकों में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में, वेबसाइट कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, एफएमसीजी कंपनियों में, वो और तो और भारत के बाहर जैसे कि सिंगापुर में, दुबई में, साउथ अफ्रीका में, आज इन सारे देशों में, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कोयम्बटूर में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, नोएडा में, ये गुड़गांव में, इन सारे शहरों में, इंदौर में, जयपुर में आज सिमिज के स्टूडेंट, और पटना में, इन सारे शहरों में सिमिज के स्टूडेंट जो हैं वो बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियों में हैं। तो ये ग्लिम्स आप देख रहे हैं और इस ग्लिम्स के माध्यम से आपको ये हिम्मत मिल रही है, आपको ये प्रेरणा मिल रही है कि जब आपके जिले से, आपके बक्सर, छपरा, सिवान, मोतिहारी और पूर्णिया और जमुई डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आकर के सिमिज में पढ़ करके, जब गया से, बिहार शरीफ से, समस्तीपुर से, बेगूसराय से, लखीसराय से, नालंदा से, नवादा से सिमिज स्टूडेंट सिमिज में आकर के, और वो स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम के स्कूलों से पढ़े थे, वो स्टूडेंट जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में पढ़े थे, सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, आज उन स्टूडेंट्स को जब लाखों रुपए का, 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, ICICI बैंक में 700 से ऊपर छात्रों को 3,47,000 का पैकेज मिला, और आप अपने सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे जो प्लेसमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये रियल स्टूडेंट्स हैं, रियल प्लेसमेंट्स हैं। आप फेसबुक पे उनकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, उनके द्वारा किए गए पोस्ट को देख रहे हैं, कंपनियों के एचआरस को आप देख रहे हैं जो कॉलेज में इंटरव्यू ले रहे हैं, कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सिमिज कॉलेज में बच्चों को 3 साल इस तरीके से तैयार किया जाता है, नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, राइट एटीट्यूड और राइट एटीट्यूड के साथ, ताकि कॉलेज खत्म होने से पहले ही उन्हें ऑफर मिल जाए। और यही कारण है कि चाहे विप्रो हो, चाहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, चाहे इंफोसिस हो, अभी दरभंगा का एक छात्र जो सहरसा के पहले एक कोसी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में, जहां पर सड़क तक नहीं है, जहां आधे वर्ष जो है वो बाढ़ का पानी रहता है, उस छात्र को इंफोसिस कंपनी में ऑफर मिला, वो छात्र इंफोसिस ज्वाइन किया, उसको स्टार्टअप से 10 लाख से ऊपर का जॉब मिला, और वो छात्र अपने वीडियो में कह रहा है कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, मुझे समझने में तकलीफ होती थी, और आज मैं आज सिमिज के माध्यम से इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी में पहुंचा। तो ये बिहार के छात्रों को स्वावलंबन, बिहार के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का जज्बा, उनको एम्पावरमेंट देने का काम हमने किया है। वीडियो स्लाइड्स बड़ा फास्ट चल रहा है, आप कभी भी किसी भी स्लाइड को कभी भी रोकिए, आप न्यूज़ को पढ़िए, रोक के पढ़िए, पॉज करके उसको वीडियो को आप पढ़िए, आप देखिए कौन सा बच्चा है वो सिमिज में पढ़ा है, किस कंपनी में जॉब कर रहा है, आप रोक रोक के इसको देख सकते हैं, किसी कैंडिडेट के बारे में देखिए और आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम अपने 5,000 के आसपास अब सिमिज के स्टूडेंट हो चुके हैं, जिनको हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट का हमारे पास डिटेल्स होगा, हर जिले से, हर एरिया से बिहार के स्टूडेंट हमारे यहाँ आकर के सफल हुए हैं, और यही हमारा काम है, इसी काम को करके हमें खुशी मिलती है, हमारा मकसद ही यही है कि कैसे हम अपने छात्रों को करियर के उस मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ से ना सिर्फ उनके करियर की शुरुआत हो बल्कि वो आगे जाएँ। हमारे सिमिज से जो बच्चों को ICICI बैंक में हैदराबाद में पोस्टिंग मिली, उनमें से काफ़ी बच्चे आज HDFC बैंक में हैं, वो कोटक महिंद्रा बैंक में हैं, वो बजाज फिनांस में जा चुके हैं, वो बच्चे जो हैं वो एक्सिस बैंक में हैं, इंडसइंड बैंक में हैं, वो उनको ICICI बैंक में पैकेज मिला था 3 लाख, 2.5 लाख, और अब उनको 7-8 लाख का पैकेज मिल रहा है दूसरे बैंकों में। तो ये मतलब तैयारी सिर्फ और सिर्फ जॉब दिलाने की नहीं होनी चाहिए, तैयारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि करियर में आगे कैसे बढ़े। अगर आपको 5.5 लाख का पैकेज मिला है तो आप 10 लाख के पैकेज में कैसे आओगे? हमें आपको उस स्तर पर तैयार करना होगा कि एक प्रोफेशनल के रूप में इंडस्ट्री में एक अपनी पहचान आप कैसे बनाओगे। अगर IT कंपनी की मैं बात करूँ, हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ऑफर विप्रो ने किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा ऑफर किया, लेकिन आज एसेंचर जो कि ग्लोबल IT सॉफ्टवेयर जाइंट है, एसेंचर में, IBM में हमारे स्टूडेंट हैं। अभी स्नेहा आरा के पास की जो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ आई थी, जो पढ़ी थी हमारे से बीसीए का कोर्स किया स्नेहा ने, स्नेहा अभी IBM में है, शुभम अभी IBM में है, विशेष सहाय हमारा स्टूडेंट जो है वो अर्नस्ट एंड यंग में है, डेलॉयट में हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैप जेमनी और कॉग्निजेंट में इशू श्रीवास्तव, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता हूं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग प्रोफाइल में, अलग अलग शहरों में वो अपने करियर में कामयाब हो रहे हैं, और ना सिर्फ वो कामयाब हो रहे हैं बल्कि उनके माध्यम से उनके घर परिवार की स्थिति में सुधार हो रहा है। कोई अपने माँ बाप के कमरे में एयर कंडीशनर लगाने आ रहा है, कोई अपने एक तल्ले के मकान में ऊपर एक तल्ला और बनवा रहा है, किसी ने बैंगलोर में फ्लैट बुक किया है, कोई
एक गाड़ी ईएमआई पे ले रहा है। ये इम्पावरमेंट है। जब बच्चे फ्लाइट में बैठ करके अपनी तस्वीरें वहां से सेल्फी पोस्ट करते हैं तो मुझे लगता है खुशी होती, क्योंकि मुझे समझ में आता है ये बच्चा जो सेल्फी खींच रहा है ये पहली बार फ्लाइट में बैठा है, लेकिन अपने पैसे के दम पे बैठा है, अपनी कमाई के दम पे बैठा है। इसलिए मुझे खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट जो आज, चाहे वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, अबर्ट जैसी फार्मा कंपनी में हो, फिनांस कंपनियों में हो, बजाज फिनांस जैसी कंपनियों में हो, या कोलगेट पामोलिव जैसी कंपनी में, एफएमसीजी कंपनी में हो, ये सारे बच्चे जो हैं ये सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। इन सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद है। और बिहार अगर आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा इस तरह के नौजवानों की हिम्मत के बल पर, उनके टैलेंट के बल पर। और सिमेज में हमारा यही प्रयास है, कैसे बच्चों के सपनों को पंख दें, कैसे उन्हें नई उड़ान दें। और मुझे लगता है कि इस ग्लिम्स को, इस छोटी सी झलक को देख करके आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप भी अपने करियर में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं, और अपने परिवार के लिए, आप अपने परिवार के लिए वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, वो आकांक्षाएं पूरे कर सकते हैं जो आपके माता पिता आपसे संजो के रखते हैं, जो आपसे उम्मीद बांध के रखते हैं। और जो पीछे आपने तैयारी में कमी करी हो उसको आप भूल जाएं। अब आगे क्या करना है इस पर आप विचार करें। जो आपके पास कम से कम समय बचा है, इस 3 साल के समय में हमें वो तैयारी करनी है कि अगले 30 साल, अगले 40 साल तक आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करो, आप अपने परिवार को सुख सुविधाएं दो, और न सिर्फ आप अपना और परिवार का ख्याल रखो, आप इतने सक्षम बनो कि आप अपने समाज को कुछ दे सको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र सिमेज में 3 साल की पढ़ाई में जो निवेश करते हैं उससे अधिक वो अपने पहले साल के पैकेज में निकाल पाते हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है। और बिहार में आज जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे वो निजी संस्थान हो, जब प्रश्न BBA, BCA, BSc, IT जैसे वोकेशनल कोर्सेज का होता है तो बिहार के सारे संस्थानों का प्लेसमेंट एक तरफ और अकेले सिमेज संस्थान का प्लेसमेंट उन सब से बहुत अधिक होता है। लगभग 90% जो बिहार का प्लेसमेंट है वो अकेले सिमेज संस्थान कर रहा है। हर एक वर्ष कंपनियों को बुलाना, HRs को बुलाना, कैंपस प्लेसमेंट्स करवाना, वेब इंटरव्यू करवाना, बच्चों को इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल की तैयारी करवाना, वीडियो पर उनके इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करना ताकि वो ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सकें, उनको ऑनलाइन राउंड के लिए, रिटर्न राउंड के लिए तैयारी करवाना, उनको TCS के, NQT के एग्जाम्स के लिए, विप्रो के, वेज विस्टा के एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाना, उनको बैंक PU की कोचिंग करवाना, तैयारी करवाना, ये सारा कुछ जो है वो सिमेज के अलावा और कहाँ हो रहा है। चूँकि बच्चों की पर्सनैलिटी पर, उनके कम्युनिकेशन स्किल पर, उनके कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट पर कहीं काम नहीं होता है, कहीं कंपनियों के HRs को बुलाया नहीं जाता है, कहीं कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए बिहार के नौजवानों को, बिहार के युवाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और सिमेज नौजवानों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पहले खुद तैयार हों और उसके बाद उद्योग में, इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट जगत में, MNC कंपनियों में वो अपना योगदान दें और अपनी सफलता के साथ अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, सर उठा करके जिएं। और ऐसा नहीं है कि सिमेज के छात्र सिर्फ कॉरपोरेट जगत में सफल हुए हैं, बल्कि सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में NTPC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो इस तरह के जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर सिमेज के छात्रों ने सफलता हासिल की है। पटना के सेक्रेटेरिएट में, पटना हाई कोर्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कस्टम्स डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा CRPF जैसे और एयरपोर्ट जैसे संस्थानों में, इन सभी जो सरकारी संस्थान के, जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं, यहाँ पर सिमेज के कई छात्रों को ग्रामीण विकास विभाग में, शिक्षा विभाग में, इस तरह के सरकारी विभागों में सिमेज के छात्रों को बड़े पैमाने पर अवसर मिला। और ये हमारे लिए, हमारे छात्रों को BPSC में सफलता प्राप्त हुई। तो सिमेज के छात्र जो हैं वो ना सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर में बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद और दिल्ली NCR और मुंबई जैसे शहरों में जा करके वो जॉब कर रहे हैं, बल्कि सरकारी क्षेत्र में, हाई कोर्ट्स में, सेक्रेटेरिएट्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, इन सारी क्षेत्रों में जो है हमारे बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। और ये विकल्प हमारे बच्चों के सामने रहता है, इसीलिए हम उनको कैट मैट की तैयारी के साथ में बैंक PU की भी तैयारी कराते हैं। इसीलिए हम बच्चों को जो उनका रीजनिंग कैसे स्ट्रांग हो, उनका मैथ कैसे स्ट्रांग हो, उनका इंग्लिश का जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो तैयारी है वो कैसे ज़्यादा अच्छा हो, ताकि वो बैंक PU और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर सके, ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि जो हमारा प्लेसमेंट जो है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पढ़ाई जो है उसका जो अल्टीमेट, जो अभी जो बच्चे का जो गोल है वो करियर की शुरुआत बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक उसको करियर की शुरुआत नहीं होगी, वो अपने परिवार में एक अर्निंग मेंबर नहीं बनेगा, वो समाज का भला नहीं कर सकता है। शिक्षा के साथ उसको एक आय प्राप्त करने का साधन उसके पास होना,
बहुत ज़रूरी है, और इसलिए चाहे नॉलेज के साथ, चाहे स्किल के साथ, चाहे करेक्ट एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के साथ, चाहे माइंडसेट डेवलपमेंट के साथ, और चाहे कम्युनिकेशन स्किल जैसे जो जरूरी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजरियल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, इन सारी चीज़ों के साथ हमें बच्चों को तैयार करना होता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, वो जिस क्षेत्र में चाहें, वो जिस शहर में चाहें, वो जब जहां रहें वो वहां अच्छे से जॉब करें, आत्मनिर्भर बन के रहें, आत्मविश्वास के साथ रहें, वो कहीं भी कमज़ोर महसूस ना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत आशीर्वाद। अपने करियर में आप अच्छा करें। आप सबको बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।